अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए अब हम आगे देखते हैं द का प्रयोग। बच्चों, द का प्रयोग जैसे हमने कहा कि एक वचन संज्ञाओं के आगे ए और एन का प्रयोग होता है और वो अनिश्चितता के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर डेफाइनेट आर्टिकल के लिए, बिल्कुल निश्चित अग्र शब्द के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। और इसके जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। पहला नियम, जब हम उस वस्तु या किसी के बारे में कहते हैं जिसके बारे में हम पहले से कह चुके हैं, मतलब जिस भी वस्तु में हम द का प्रयोग उस वस्तु में करेंगे जहाँ उस वस्तु का प्रयोग या उस वस्तु के बारे में हम पूर्व में कह चुके हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल, मैंने एक लड़का और एक लड़की को देखा। ठीक है, सेकंड, जब दोबारा इन्हीं लड़के और लड़की के बारे में अगर चर्चा होगी तो क्या होगा? फिर बी में देखते हैं हम, द बॉय वॉज हैंडसम बट द गर्ल वॉज अगली। अब यहाँ उसने बोला, पहले बोला मैंने एक लड़का और एक लड़की को देखा था, वो लड़का हैंडसम था और लड़की कैसी थी? बदसूरत थी। तो वो लड़का यानी वो पहले से डिनोटेड है, इसलिए वहाँ पर द का प्रयोग होगा। दूसरा नियम, जब कोई जानी पहचानी वस्तु हो जिसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं पहचानते हैं, तो इसके एग्जाम्पल देखें, द बॉय हु लिव नेक्स्ट डोर वॉन द मैच, वो लड़का जो बाजू वाले दरवाजे के वहाँ रहता है मैच जीत चुका है। आई कॉल्ड हिम एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन सबको जाना पहचाना है, इसलिए वहाँ पर द का प्रयोग आया। तीसरा नियम देखते हैं, क्रम सूचक के साथ, जब भी हम कोई क्रम या कोई ऑर्डर देते हैं, कोई संख्या देते हैं, उस समय भी द का प्रयोग आता है, जैसे द नाइन्थ चैप्टर, द फर्स्ट पोजिशन। चौथा नियम है, संगीत वाद्यों से पहले, जो भी संगीत वाद्य जैसे द फ्लूट, द गिटार, तो इस प्रकार से द का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला नियम देखें, द का उपयोग नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, चोटियों, द्वीपों के समूहों, महासागरों, खाड़ियों के नामों के पूर्व करते, मतलब ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन जो सभी को बहुत अच्छे से मालूम है और बहुत वेल नोन है, जैसे द नर्मदा, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द एवरेस्ट, द अंडमान आइसलैंड, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियंस, ये सारी चीज़ें, ये जो भौगोलिक हैं, ये सभी को बहुत अच्छे से मालूम है, पूर्व मालूम है, इसलिए इनके आगे द का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम देखते हैं, अ वेरी फ्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज, वैसे तो द का प्रयोग किसी भी कंट्री के आगे नहीं किया जाता है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जिसमें रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्द आते हैं, जैसे द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, मतलब जहाँ पर भी जिन राष्ट्रों के आगे किंगडम या रिपब्लिक जैसे शब्द आएंगे उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे देखें, द का उपयोग जहाजों, अखबारों, पवित्र पुस्तकों के नामों के पूर्व तथा प्रकृति की केवल एक वस्तु के पूर्व करते हैं, मतलब जो भी बहुत फेमस जहाज हैं, अखबारों के नाम हैं, पवित्र पुस्तकें हैं, जो वेल नोन पुस्तकें हैं, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, तथा प्रकृति में जो केवल एक ही चीज है, देखते हैं द विक्रांत, द मून, प्रकृति में एक ही है, द सन, सूर्य एक ही है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ये बहुत प्रसिद्ध अखबार का नाम है, द रामायण, रामायण पुस्तक का नाम, द वेदास, वेदों का नाम, इसके आगे हम द का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पूर्व, बच्चों आपने पूर्व में इसका अध्ययन किया होगा विशेषण के बारे में, और विशेषण में अच्छा, उससे अच्छा और सबसे अच्छा, तो जब सबसे अच्छा या सबसे सुपर होता है तो वहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री लगती है, तो ऐसी स्थिति में भी हम द का प्रयोग करते हैं। द टॉलेस्ट माने सबसे लंबा, उससे लंबा अभी यहाँ पर कोई नहीं, द ग्रेटेस्ट सबसे महान, द हाईएस्ट सबसे ऊंचा, तो ऐसी सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। फिर है अगला नियम, राष्ट्रों के नाम से बने विशेषणों के पूर्व, जैसे भारत में रहने वाला भारतीय, तो
इंडिया में रहने वाला इंडियंस हो जाएगा, रशिया में रहने वाला रशियन हो जाएगा। तो ऐसे जो राष्ट्रों के नाम से विशेषण बना लिए गए हैं उनके आगे भी द का प्रयोग किया जाता है। अगला नियम, एक वर्ग या जाति के लोगों को दर्शाने वाले शब्द के पूर्व एक ही जाति जिसके बारे में हमको पता चले, जैसे द हिंदू, तो हिंदुस्तान में रहने वाले जितने हिंदू हैं वो एक ही जाति का बोध करा रहे हैं, भले ही उनकी उपजातियां अलग अलग हों, लेकिन जब वो हिंदू शब्द आता है तो उसमें ये बिल्कुल डिनोटेड है कि हिंदू ग्रुप से, हिंदू जाति से बिलोंग करने वाला। तो वहां पर आएगा द हिंदूज, द ज्यूज, द रिच, द पुअर। इसमें कोई वेरीफाई नहीं है, पूरी एक संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, कॉमन नाउन है, इसके आगे भी हम द का प्रयोग करते हैं, द बॉय, द गर्ल, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है द का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, द के और भी बहुत सारे सूक्ष्म प्रयोग हैं जो कि हम आपको अगले वीडियोस में बताएंगे। चलिए अब हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको बता दें, तो शुरू करते हैं। अभी तक जो मैंने आपको ग्रामर समझाई है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी बच्चों। और एक बात और मैं बता दूं कि कहां पर हमको द बोलना है और कहां पर दी बोलना है, बिल्कुल सेम नियम है। यदि कोई शब्द बॉवल से शुरू होता है, स्वर से शुरू होता है, तो हमें वहां दी बोलना है। क्या बोलना है? दी बोलना है। और यदि वो व्यंजन से शुरू है तो हमें वहां पर द बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग आइदर ए, एन, द और फाई वेयर नेसेसरी। फाई यानी नो आर्टिकल। पहला, इन स्प्लिट सेकेंड 100 people सराउंडेड अस। अब यहाँ पर आपको हमको आर्टिकल का प्रयोग करना है, तो आप देखिए ये यहाँ जहाँ जहाँ आर्टिकल का प्रयोग करने को बोला है उन शब्द काय से शुरू हो रहे हैं? व्यंजन से। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। इन अ स्प्लिट सेकेंड 100 people सराउंडेड अस। सेकेंड एक्सरसाइज देखते हैं। द ग्रेटिफाइड बैट्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग डैश कोकोनट्स। अब कोकोनट्स ये बहुत अच्छे से मालूम है सबको, वेल नोन है, पूरा एक समूह का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा द। द ग्रेटिफाइड बैट्स फ्लू अवे आफ्टर ईटिंग कोकोनट्स। थर्ड क्वेश्चन, डैश गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर। अब यहाँ पर नदियों के नामों के आगे क्या लगाया जाता है? द लगाया जाता है, तो यहाँ पर जाएगा द गंगा इज, यहाँ पर एस यानी व्यंजन है तो यहाँ पर लगाएंगे ए, आंसर हो जाएगा द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर। क्वेश्चन नंबर 4, द ट्रेन लेफ्ट डैश आर एगो। अब यहाँ हवर नहीं पढ़ रहे हम, अवर पढ़ रहे, तो इसका मतलब ये व्यंजन से शुरू है लेकिन स्वर की ध्वनि दे रहा, तो यहाँ पर आएगा एन, ए एन। द ट्रेन लेफ्ट एन आवर एगो। पांचवा, मिस्टर डेविड इज डैश यूरोपियन। अब यहाँ पर स्वर से शुरू है लेकिन ध्वनि दे रहा है व्यंजन की, तो यहाँ पर आएगा मिस्टर डेविड इज अ यूरोपियन। सिक्स, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। ये शुरू हो रहा है यूजफुल शब्द स्वर से लेकिन ये ध्वनि दे रहा है व्यंजन की, तो यहाँ आ जाएगा कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। सेवन देखें, राम इज डैश एनसीसी कैडेट। एन है व्यंजन लेकिन ध्वनि दे रहा है स्वर की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम इज एन एनसीसी कैडेट। एट्थ क्वेश्चन देखते हैं, माय फादर गेव मी डैश 1 rupee coin। वन यहाँ पर स्वर से शुरू है लेकिन ध्वनि व्यंजन की दे रहा, इसलिए यहाँ पर आएगा आ, माय फादर गेव मी अ 1 rupee coin। नाइन्थ देखते हैं, डैश मैन इज मोर्टल। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग किया नहीं जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैन इज मोर्टल। जो सार्वभौमिक सत्य है उसमें किसी भी आर्टिकल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। टेंथ, दिस इज डैश इंक पॉट विच कंटेन्स डैश रेड इंक। इंक पॉट है, क्योंकि ये वॉवल से शुरू है तो यहाँ पे क्या जाएगा? एन आ जाएगा। दिस इज एन इंक पॉट
विच कंटेन्स, यहाँ पर रेड सभी को मालूम है, सार्वभौमिक है, यहाँ पर द की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो आर्टिकल। तो दिस इज एन इंक पॉट विच कंटेन्स रेड इंक। 11 देखें, गोल्ड इज डैश प्रेशियस मेटल, तो यहाँ पर पी यानी व्यंजन की ध्वनि, व्यंजन है इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा ए, गोल्ड इज अ प्रेशियस मेटल। 12 देखें, डैश गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर, यहाँ पर गोल्ड को बताया जा रहा, डिफाइन किया जा रहा, इसलिए यहाँ पे आएगा द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज नॉट प्योर। 13, देयर इज डैश सूटकेस लेइंग ऑन द डैश बैक सीट ऑफ डैश कार, यहाँ पर आंसर हो जाएगा देयर इज अ सूटकेस लेइंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। 14 क्वेश्चन देखें, डैश रामायण इज अ सेक्रेट बुक, बच्चों यहाँ पर लुक लिख गया है लेकिन आप उसको वहाँ पर एल की जगह बी पढ़ें और बुक समझें, वहाँ पर सुधार लीजिएगा आप लोग, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द रामायण इज अ सेक्रेट बुक। 15 देखें, मिस्टर शर्मा इज डैश एमएलए, एमएलए ए हमको यहाँ व्यंजन होते हुए भी स्वर की ध्वनि है इसलिए यहाँ पर आएगा मिस्टर शर्मा इज एन एमएलए। 16, स्विमिंग इज डैश ग्रेट फन, जी यानी व्यंजन, तो यहाँ पर ऑब्वियसली आर्टिकल आ जाएगा ए, आंसर हो जाएगा स्विमिंग इज अ ग्रेट फन। बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को आर्टिकल्स वाला चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने जो ट्रिक्स दी हैं आपको उसको भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और साथ ही साथ आप इससे रिलेटेड और भी एक्सरसाइज करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, यदि आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके मुझसे पूछ सकते हैं।